हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के ऊपर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे हमारी कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर में वो है कुछ इस टाइप से। सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शन ऑफ कैमशाफ्ट सेंसर, दूसरा लोकेशन ऑफ कैमशाफ्ट सेंसर, हम कैमशाफ्ट सेंसर को कहाँ पे फिट करते हैं, इंस्टॉल किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे टाइप ऑफ कैमशाफ्ट सेंसर, फिर हम समझेंगे वर्किंग ऑफ कैमशाफ्ट सेंसर, एक कैमशाफ्ट सेंसर जो है वो काम कैसे करता है। लास्ट में हम जानेंगे कि बैड कैमशाफ्ट सेंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैमशाफ्ट सेंसर के बारे में। अब कैमशाफ्ट सेंसर का जो फंक्शनिंग होती है वो होती क्या है, वो किस लिए यूज किया जाता है हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अब कैमशाफ्ट सेंसर का जो वर्क होता है वो हमारी क्रैंकशाफ्ट सेंसर के साथ, कैमशाफ्ट सेंसर इज टू वर्क विद द क्रैंकशाफ्ट सेंसर टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द कैमशाफ्ट टाइप। अब कैमशाफ्ट सेंसर और क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं और क्रैंकशाफ्ट का जो है एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाते हैं थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंसर सिग्नल। अब इन दोनों जो सेंसर के जो सिग्नल्स होते हैं इनके कॉम्बिनेशन को हमारे ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट पे भेजा जाता है, जिससे कि हमारे फर्स्ट सिलेंडर का जो पिस्टन है उसके बारे में पता चलता है कि वो टॉप डेड सेंटर पे है या नहीं है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ये नीडेड है क्यों, अब ये इन्फॉर्मेशन नीडेड इसलिए है क्योंकि इसके बिहाफ पे सेट की जाती है फायरिंग ऑर्डर। अब जो फायरिंग ऑर्डर होता है हमारे फोर सिलेंडर का जो इंजन होता है उसका होता है 13, 42 और 14, 32। ये सेट करने के लिए यूज किया जाता है कैमशाफ्ट सेंसर। सबसे पहला काम है हमारे कैमशाफ्ट सेंसर का पोजिशन ऑफ नंबर वन सिलेंडर पिस्टन का पता लगाना। अब ये पता लगने के बाद जो होता है वो होती है फिर ऑप्टिमाइजिंग फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग। इन केस ऑफ डीजल इंजन के अंदर जो है फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग भी इसके बिहाफ पे ही सेट की जाती है। तीसरा आता है कोऑर्डिनेटिंग इग्निशन टाइमिंग, स्पार्क इग्निशन, यानी कि ऐसा इंजन में जो स्पार्क इग्निशन होगा वो भी इसके बिहाफ पे ही किया जाता है। चौथा आता है डिटेक्टिंग मिस फायर। अब जो मिस फायर है, मिस फायर भी हम कैमशाफ्ट सेंसर के बिहाफ पे ही पता लगा पाते हैं क्योंकि जब भी हमारे फायरिंग ऑर्डर में कुछ भी डिसेबिलिटी आएगी तो हमें कैमशाफ्ट सेंसर के द्वारा पता चल जाएगा। और दूसरा जो है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन के अंदर भी हमें बहुत सारी TTC देखने को मिल जाती है कि हमारे नंबर वन सिलेंडर में मिस फायर हो रहा है या ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो ये बेसिकली जो है ये हमारे फायरिंग ऑर्डर को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में जो है कैमशाफ्ट सेंसर का मेन यूज है कि नंबर वन सिलेंडर के जो पिस्टन है उसका पता लगाना और उसके बिहाफ पे हमारे फायरिंग ऑर्डर को सेट करना। और जो फायरिंग ऑर्डर यूज़ किया जाता है मोस्टली ज़्यादातर गाड़ियों में वो 13-42 यूज़ किया जाता है और दूसरा 14-32। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन जो होती है हमारी कैमशाफ्ट सेंसर की वो मॉडल मेकर्स पे डिपेंड करती है, इंजन के डिजाइन पे डिपेंड करती है। मोस्टली गाड़ियों में जो आपको जो है कैमशाफ्ट सेंसर जो है टैपेट कवर के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ये मोस्टली यानी कि ज़्यादातर गाड़ियों में लेफ्ट साइड की साइड इंस्टॉल किया जाता है टाइमिंग साइड के अपोजिट गियरबॉक्स की साइड। ठीक है, टैपेट कवर के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ गाड़ियों में जो होता है वो टाइमिंग साइड यानी कि राइट साइड में भी इंस्टॉल किया जाता है, किसी में मिडिल में भी इंस्टॉल किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ कैमशाफ्ट सेंसर के बारे में। अब वर्किंग ऑफ कैमशाफ्ट सेंसर के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि होते कितने टाइप के जो सेंसर है हम यूज़ करते हैं अपने गाड़ियों के अंदर। मोस्टली हम दो टाइप के जो सेंसर है यूज़ करते हैं, एक होता है मैग्नेटिक टाइप कैमशाफ्ट सेंसर, दूसरा होता है हॉल इफेक्ट कैमशाफ्ट सेंसर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक टाइप जो कैमशाफ्ट सेंसर होता है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं टू वायर, यानी कि जो भी आपको टू वायर के सेंसर देखने को मिलेंगे वो मैग्नेटिक टाइप होते हैं। ठीक है, कैमशाफ्ट सेंसर, और जो भी थ्री वायर के हैं यानी कि थ्री वायर के हैं सेंसर हैं वो है हमारा हॉल इफेक्ट कैमशाफ्ट सेंसर। दोनों में ये डिफरेंस है, दो पिन का है तो मैग्नेटिक टाइप है, तीन पिन का है तो हॉल इफेक्ट कैमशाफ्ट सेंसर है। और मैग्नेटिक टाइप कैमशाफ्ट सेंसर जो है वो उसको हम दूसरे नाम से ही बुलाते हैं, दूसरा नाम है उसका इंडक्टिव सेंसर, इंडक्टिव सेंसर है। अब ये वर्क कैसे करता है,
अब जो मैग्नेटिक टाइप सेंसर होता है उसके अंदर यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे लगा है, ये यहाँ पे हमारा है फिगर कैमशाफ्ट सेंसर का। ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले जो है ये है सेंसर की हाउसिंग है, दूसरा आउटपुट सिग्नल वायर, ये जो है दूसरा यहाँ पे आउटपुट सिग्नल वायर है, तीसरा जो है इसको जो कोटेड किया जाता है वायर को प्रोटेक्शन देने के लिए वो है, चौथा आता है हमारा परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट। पांचवा इंडक्टिव कॉइल, तो जो इंडक्टिव कॉइल है यहाँ पे। छठा है पॉल पिन, ये जो यहाँ पे है यहाँ पे एक पिन होती है उसको बोलते हैं पॉल पिन, ठीक है। अब सातवा आता है ट्रिगर व्हील, अब ये जो है ये है ट्रिगर व्हील, और ये जो जी आपको देखने को मिल रहा है इनके बीच में होता है थोड़ा सा गैप। अब ये वर्क करता है कैसे, अ गियर इज अवेलेबल, यहाँ पे जो है गियर अवेलेबल है व्हेन आरपीएम इज नीडेड टू मेजर, जब भी आरपीएम जो है मेजर करने हमारे को उस टाइम में क्या होगा, गियर होगा रोटेट, गियर रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करंट इन कॉइल, ये जो 6 नंबर पे आप 5 नंबर पे आप देख रहे हो इंडक्टिव कॉइल, इनके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट होगा, ठीक है। जनरेट करंट इन कॉइल, करंट यहाँ पे जनरेट होगा, जनरेट होने से जो है विच इज अ साइन वेव, जो है हमें यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो ये साइन वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। एसी साइन वेव जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेम मेजर बाय द ईसीएम एट एज पर द फ्रिक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय द आर। अब यही चीज जो है वो मेजर करता है हमारा ईसीएम, ठीक है। ये ऐसी साइन वेव साइन वेव साइन वेव आएगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ईसीएम को पता कैसे चलेगा कि पहला जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर में आ गया है। अब वो होता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सारे थिथ हैं 10 डिग्री पे, ठीक है। अब इनमें एक पोर्शन होता है जहाँ पे मिसिंग थिथ होता है, ये पोर्शन मिसिंग थिथ, जब भी ये मिसिंग थिथ हमारे सेंसर के सामने आएगा तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा, गैप आएगा, तो जिससे कि हमारी जो साइन वेव है यहाँ पे साइन वेव में थोड़ा सा गैप आएगा, जिससे पता चल जाएगा कि पहला नंबर का जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर में आ चुका है, तो इसके बिहाफ पे जो है हमारी फायरिंग ऑर्डर चलेगी। दूसरा हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में। अब हॉल इफेक्ट कैमशाफ्ट सेंसर जो है वो 3 वायर का सेंसर होता है, ठीक है, और ये वर्किंग करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इसमें जो 3 वायर है, इसमें एक वायर है ग्राउंड की, और एक वायर ग्राउंड की, दूसरी है पावर, तीसरी है सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पावर की जो वायर है यहाँ पे आपको मोस्टली 12 से 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, किन्हीं गाड़ियों में 12 वोल्ट यूज किया जाता है और वरना 5 वोल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा ये है ग्राउंड की वायर, तीसरा ये है सिग्नल, सिग्नल में आपको 2.5 से 5 वोल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग करता है कैसे। अब यहाँ पे भी एक फिगर है, फिगर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है सेंसर हाउसिंग है, दूसरा आउटपुट वायर है, तीसरा ये जो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट है यहाँ पे यूज किया जाता है इसके अंदर, चौथा परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर भी यूज किया जाता है, पांचवा हॉल इफेक्ट डिवाइस है, छठा ट्रिगर्ड व्हील, और यहाँ पे जो है गैप आपको देखने को मिल सकता है। अब ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंस है हमारे मैग्नेटिक टाइप सेंसर से। अब हॉल इफेक्ट सेंसर जो है यहाँ पे जो हॉल इफेक्ट एलिमेंट है, अब हॉल इफेक्ट एलिमेंट से जो जनरेट होगा यहाँ पे लगा होता है हमारा हाई गेन एम्पलीफायर। अब हाई गेन एम्पलीफायर जो है इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब एनालॉग सिग्नल जो है यहाँ पे, एनालॉग सिग्नल को हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे होता है सिमेट्रिक ट्रिगर का यूज किया जाता है, जिससे कि ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ईसीयू के पास जो है ये सिग्नल जाता है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यही है कि जैसे ये तिथ आपको देखने को दिख रहे हैं, ये तिथ जब यहाँ पे मिसिंग तिथ आएगा तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर जो ये है वेव्स हैं इसमें बीच में आपको गैप देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको जिससे हमारे कैमशाफ्ट है उसका पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट नंबर का जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर में आ चुका है। तो इस टाइप से कुछ काम करता है हमारा ऑल इफेक्ट सेंसर। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ फॉल्टी कैमशाफ्ट सेंसर के बारे में। अब जो
कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब हमारे कैमरा सेंसर खराब हो जाता है। सबसे पहले जो है इंजन चेक लाइट जो है ब्लिंक करने लगेगी। इंजन चेक लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कि आपकी गाड़ी में कोई भी इंजन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आपको गाड़ी को स्कैनिंग करवा के चेक करना पड़ेगा। अब जो सबसे मेन दिक्कत आती है इसमें वो आती है स्टार्टिंग डिफिकल्ट। आपकी गाड़ी जो है लॉन्ग क्रैंक स्टार्ट होगी, ठीक। अब कैम सेंसर के केस में क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्रैंकशाफ्ट सेंसर, लेकिन अगर क्रैंकशाफ्ट सेंसर खराब है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो कैमशाफ्ट सेंसर है, कैमशाफ्ट सेंसर खराब होने पे स्टार्टिंग होती है जो है वो होती है डिफिकल्ट। दूसरा हेजिटेशन, लॉस ऑफ पावर। अब यहाँ पे क्या होगा, हेजिटेट होगा और पावर का जो होगा लॉस होगा। पावर का लॉस होगा कैसे, पावर का लॉस होगा ऐसे कि जब हमारे जो फायरिंग ऑर्डर है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो स्पार्क ठीक से नहीं होगा, हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर वो बर्न नहीं होगा और हमारा जो है को जो है पावर का लॉस देखने को मिलेगा और इससे हमारा इंजन जो है हेजिटेट करेगा। दूसरा जो है वो होगा रिड्यूस फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न नहीं होगा तो फ्यूल इकोनॉमी जो है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी इस मिक्सचर बर्न होने के कारण। अब आता है फेल इमिशन टेस्ट। अब गाड़ी जो है वो इमिशन टेस्ट में फेल कैसे होगी, इमिशन टेस्ट में फेल ऐसे होगी जब फायरिंग ऑर्डर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो जो रिच मिक्सचर बर्न होगा, रिच मिक्सचर बर्न होने के कारण क्या होगा, जो हमारे हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसके कारण जो है गाड़ी इमिशन टेस्ट में फेल हो सकती है। सबसे लास्ट में बात करते हैं इंजन मिसफायर के बारे में। अब इंजन मिसफायर होगा कैसे, जब भी हमारा फायरिंग ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाएगा, फायरिंग ऑर्डर के खराब होने के कारण जो है हमारा इंजन जो है वो मिसफायर करेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जब भी हमारा कैमशाफ्ट सेंसर खराब होता है तो हमारी गाड़ी के अंदर जनरेट होगी। और यहीं पे जो हमारा है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।